Elena's Education. This is Elena, and in this video I'm going to discuss with you some slang words. इस वीडियो में हम लोग कुछ स्लैंग वर्ड्स सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है और जिसको हम बोलकर अपना स्टैंडर्ड और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, डेली लाइफ में ये स्लैंग वर्ड्स यूज होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, हम लोग विद एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, अच्छा, फर्स्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, द वेरी फर्स्ट वन इज नट्स. नट्स नट्स माने क्या हुआ यहाँ पे? नट्स माने खाने वाला नट्स नहीं, नट्स माने स्टॉप बीइंग नट्स. बेवकूफ बनना बंद करो, बेवकूफी मत करो, फूलिश. नट्स माने फूलिश, क्रेजी, पागल, बेवकूफ. यू आर अ नट्स. नट्स एक वर्ड है जिससे पता चलता है कि वो बिल्कुल क्रेजी है, पागल है किसी चीज के लिए. या जैसे हम लोग सेंटेंस में कहते हैव यू गॉन नट्स, तुम क्या पागल हो गए, हैव यू गॉन नट्स. स्टाइल में अगर बोले हैव यू गॉन मैड ना बोलते, हैव यू गॉन नट्स, या द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ नट्स, पूरी दुनिया बेवकूफों से भरी है. तो ये चीज अगर बोलना चाहे तो, हालांकि ऐसा है नहीं, पूरी दुनिया बेवकूफों से भरी नहीं है, लेकिन नट्स अगर आप बोलेंगे किसी को तो उससे मीन करेगा कि ही और शी, व्होएवर इज देयर, इज फुलिश, पागल, क्रेजी. ठीक है, हैव यू गॉन नट्स, डोंट बिहेव लाइक नट्स. ये सुनने में बड़ा डिसेंट लगता है, सुनने में मीनिंग भले ही इसका क्रेजी है लेकिन सुनने में खराब नहीं लगता है. स्टॉप बिहेविंग लाइक नट्स, बेवकूफों की तरह हरकतें, बिहेव करना, व्यवहार करना बंद करो. या फिर हैव यू गॉन नट्स, पागल हो गए हो क्या तुम. ठीक है, ये हो जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट इज इमो. इमो माने शॉर्ट वर्ड है, इमो माने इमोशनल, सेंसिटिव, बहुत ज्यादा संवेदनशील, बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, उनको कहते हैं ईमो. डोंट बी सच एन ईमो. ईमो मतलब इमोशनल, इतना भी संवेदनशील, इतनी भी सेंसिटिव, इतना भी इमोशनल मत बनो. कोई बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी फील कर जाता है, बहुत जल्दी वो संवेदनशील बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी मैं फील करने लग जाता है. किसी के साथ मजाक करिए तो वो, कभी कभी किसी के साथ मजाक करिए तो वो, कोई कोई तो उसको लाइटली लेता है लेकिन कोई कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो उसको फील कर लेता है, तो उसको बोलेंगे हम ईमो. ठीक है, लाइक एग्जांपल, माय बेस्ट फ्रेंड इज एक्सट्रीमली ईमो. मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ईमो, बहुत हद से ज्यादा इमोशनल है. माई फ्रेंड या माई बेस्ट फ्रेंड या मम्मी, मतलब जो भी बहुत ज्यादा भावुक है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, उसको हम कहते हैं ईमो. एक वर्ड में, स्टाइल में ईमो सुनने में भी अच्छा लगता है, और आप किसी के लिए जो बहुत ज्यादा भावुक है, फीलिंग्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसके लिए आप ई वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड, मैंने देखिए माय बेस्ट फ्रेंड इज एक्सट्रीमली ईमो. ठीक है, अच्छा, फ्लेक्स. फ्लेक्स मींस टू शो ऑफ या दिखावा करना. कोई कोई बातों से शो ऑफ करता है कि वो बहुत अमीर है, कोई कोई सिंगिंग में गाना गा रहा है तो उसमें उसकी लाइफस्टाइल, जैसे मैंने सेंटेंस दिया, इन हर लिरिक्स शी फ्लेक्सेस अबाउट हर फैंसी लाइफस्टाइल. जब सिंगिंग करती है, जब गाना गाती है, या जब गाना गाने के दौरान उसको, उसके धुन में वो, उसका लाइफस्टाइल झलकता है, उसका लाइफस्टाइल, उसका जो फैंसी लाइफस्टाइल है वो शो ऑफ होता है. शो ऑफ होना माने दिखाओ, शो होना, दिखावा होना, दिखाई पड़ना सामने से, दिखावा. ठीक है, दिखावा करना, शो ऑफ करना, ये हो जाएगा फ्लेक्स. यहाँ पे ई एस इसलिए लगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तीसरे की बात हो रही, शी शी इट, इसके साथ तो ई एस लगता है, तो यहाँ पे इसीलिए फ्लेक्सेस हो गया, पास्ट टेंस होगा तो फ्लेक्स्ड. ठीक है, कल उसने बहुत दिखावा किया तो शी फ्लेक्स्ड, यस्टरडे शी फ्लेक्स्ड अ लॉट. ये वो बहुत ज्यादा दिखावा करती है, नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ये सेंटेंस, वो बहुत ज्यादा दिखावा करती है. शी फ्लेक्सेस अ लॉट, शी फ्लेक्सेस अ लॉट, बहुत ज्यादा दिखावा करती है वो. दिखावा करना, शो ऑफ करना, इसको हम एक वर्ड में कहेंगे फ्लेक्स. ठीक है, स्टैंडर्ड वर्ड है, ये स्लैंग वर्ड्स हैं जो नॉर्मली यूज होता है, अच्छे अच्छे ग्रुप ऑफ पीपल जो है इनको यूज करते हैं, फ्लेक्स. अच्छा, सुनने में खराब नहीं लगता, शो ऑफ कहेंगे तो सुनने में बहुत ज्यादा शो ऑफ करती हो तुम तो, वो ऐसा शो ऑफ करता है जैसे वो बहुत अमीर है, का है, बहुत पढ़ा लिखा है. शो ऑफ करना, यहाँ पे शो ऑफ ना करके आप एक वर्ड में फ्लेक्स कह सकते हैं. ठीक है,
बहुत दिखावा करते हो भाई, यू फ्लेक्स अ लॉट, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो. नेक्स्ट इज कैप. कैप माने फेक, लाए, झूठ या झूठी बात, ठीक है. जैसे एग्जांपल दिया, योर स्टोरी इज जस्ट अ कैप, तुम्हारी जो कहानी है पूरी झूठी है, बकवास है, कहानी बनाई हुई है तुमने, फेक है तुम्हारी कहानी, ठीक है. और नो कैप कहेंगे, माय स्टोरी इज नो कैप, मेरी कहानी झूठी नहीं है, मेरी कहानी झूठी नहीं है. तो आप क्या बोलेंगे, माय स्टोरी इज नो कैप, नो कैप बने हो जाता है, नो कैप, नो कैप, नो कैप माने झूठी नहीं है, झूठी नहीं है. माय स्टोरी इज नो कैप, मेरी कहानी झूठी नहीं है. और अगर झूठी है, फेक है, नकली है, तो उसको हम कहेंगे कैप, ठीक है. योर स्टोरी इज अ कैप, तुम्हारी स्टोरी झूठी है, ठीक है. और कैप का हो गया फ्लेक्स हो गया दिखावा करना, इमो हो गया सेंसिटिव होना, और नट्स हो गया क्रेजी. ये सारे वर्ड्स बहुत यूज में आते हैं. हम लोग नॉर्मली, हम लोग जब बड़े बड़े गैदरिंग्स में जाते हैं ना, तो वहां पे ये वर्ड्स बहुत यूज होते हैं. इन वर्ड्स को खूब यूज किया करिए, ठीक है. नट्स, इमो, फ्लेक्स एंड कैप, या नो कैप. नो कैप हो गया तो झूठी नहीं है, और कैप है तो फेक है, झूठी है, ठीक है. ये हो गए. अच्छा, अब कुछ और सेंटेंस, कुछ और वर्ड्स पढ़ते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ज़ैप्ड. ज़ैप या ज़ैप आउट. ज़ैप माने बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा थका हुआ, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाना, टायर्ड हो जाना, थका हुआ हो जाना, उसको कहते हैं आई एम ज़ैप्ड आउट. आई वाज ज़ैप्ड आउट आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क. मैंने काम में लंबा समय, लंबा दिन, मेरा पूरा लंबा दिन काम में मेरा बीता, और उस वजह से मैं बिल्कुल काम की वजह से मैं थक गया. पूरा दिन काम करने के बाद मैं पूरी तरह से थक कर चूर हो गया. आई वॉज एग्जॉस्टेड, आई वॉज ज़ैप्ड आउट, आई वॉज ज़ैप्ड आउट. सुनने में अच्छा लगता है, ओ आई वॉज जस्ट ज़ैप्ड आउट, आई कुडंट मीट यू एट दैट मोमेंट बिकॉज आई वॉज टोटली, आई वॉज ज़ैप्ड आउट. मैं तुमसे उसमें मिल नहीं सका क्योंकि मैं ज़ैप्ड आउट, मैंने मैं बहुत थका हुआ था, एग्जॉस्टेड था, ठीक है, टायर्ड था, ज़ैप्ड आउट, ठीक है. आई वॉज ज़ैप्ड आउट आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क. नंबर नेक्स्ट इज सिक्स इज बम्प्ड. बम्प्ड माने अपसेट हो जाना, बहुत ज्यादा उदास हो जाना. बम्प्ड, अपसेट तो यूज होता है, लेकिन बम्प्ड एक नया वर्ड है. बम्प्ड, शी इज रियली बम्प्ड एज आई एम लीविंग हर और हर बर्थडे, उसके बर्थडे पे मैं उसको छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए वो बहुत, वाकई बहुत उदास है. बहुत ज्यादा उदास हो जाना, बहुत हद से ज्यादा उदास होना, उसको कहते हैं बम्प्ड, ठीक है. बहुत ज्यादा हद से ज्यादा अपसेट रहना, उदास हो जाना, उसे कहते हैं बम्प्ड. तो क्या बोला, वो सचमुच बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि मैं उसे छोड़कर जा रहा था बर्थडे वाले दिन. बर्थडे वाले दिन लोग चाहते हैं ना कि हमारे सब अपने अपने साथ रहें, लेकिन जब छोड़ के जाते हैं, बर्थडे मना नहीं पाते अपनों के साथ, तो बड़ा अपसेट फील होता है. अपसेट का भी एक बड़ा जो डीप फीलिंग, वो हो गया बम्प्ड, ठीक है. नाउ ब्लो आउट. ब्लो आउट, If you can't behave properly, just blow out of here. Blow out, निकल जाओ, चले जाओ, leave, exit, leave. Blow out, सुनने में अच्छा लगता है. अगर तुम ठीक से behave नहीं कर सकते हो, ठीक से बर्ताव नहीं कर सकते हो, तो तुम यहाँ से just चले जाओ. Just blow out of here. You just blow out of here. कितना style लगता है, सुनने में अच्छा लगता है. Get out, लगता है कि गुस्से में बोल रहा है और बहुत ही rude फीलिंग आता है, लेकिन ब्लो आउट फीलिंग रूड नहीं आता, लेकिन हाँ बोल वही रहे हैं, निकल जाओ. बोल तो रहे निकलने को, लेकिन ब्लो आउट वर्ड से उसकी रूडनेस जो है वो निकल कर नहीं आती है जो बोल रहा होता है, ठीक है. नहीं तो लोग कहेंगे कैसा रूड है. तो यू लू प्लीज ब्लो आउट ऑफ हियर. आप यहाँ से चले जाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से, चले जाएंगे. फिर ब्लो आउट स्टाइल में गेट आउट सुनने में खराब लगता है, उसका रूडनेस अच्छा लगता है जो बोलता है. ब्लू आउट मैंने टू लीव, टू एग्जिट, या फिर चले जाना है. जो यू कांट बिहेव प्रॉपरली, तुम सही से अगर बर्ताव नहीं कर सकते तो जस्ट यहाँ से चले जाओ. जस्ट ब्लू आउट ऑफ योर स्टाइल. अच्छा, बेसिक. बेसिक मैंने बोरिंग, उबा देने वाली, उबाऊ. कितनी बोरिंग बातें करता है, उसकी बातें सुन सुन के बोरिंग लगता है मुझे, बहुत एकदम ऊब जाते हैं, तो उसको कहते हैं बेसिक. बोरिंग में यूज करके आप बेसिक वर्ड यूज कर सकते हैं. His tall talks are really basic. Tall talks,
बड़ी बड़ी बातें, ऊंची ऊंची बातें, बड़ी बड़ी बातें, वो बड़ी बड़ी बातें जो करता है ना सर, वाकई बात सचमुच बहुत ही उबाऊ लगता है सारी बातें उसकी, जो टॉल टॉक्स मैंने, या बड़ी बड़ी बातें, ऊंची ऊंची बातें, हाँकना, जैसे बूस्टिंग करना, बूस्ट करना, डींगे मारना, तो ये जो बड़ी बड़ी बातें वो करता है ना, वो सचमुच उबा देता है, उबा देने वाली होती है, बेसिक, सो बेसिक इज स्पीच. किसी का भाषण बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है, कहते अरे स्पीच, हिज स्पीच इज रियली बेसिक. था हो गया तो वॉज, है तो इज, तो बेसिक वर्ड से पता चल रहा है बहुत ही उबाऊ, बहुत ही बोरिंग. ठीक है, मूवी में आप कह सकते हैं अरे आई हैव जस्ट वॉच दैट मूवी, इट इज जस्ट बेसिक, सच अ बेसिक मूवी, आई जस्ट वेंट आउट ऑफ द थिएटर, मैं एकदम थिएटर से बाहर निकल गया, इट वॉज रियली बोरिंग, इट वॉज रियली बोरिंग, ना बोलते इट वॉज रियली बेसिक वन, बोरिंग वाला था. ठीक है, जैप्ड, बम्प्ड, ब्लो आउट, बेसिक. ठीक है, जैप्ड माने बहुत थका होना, बम्प्ड माने बहुत उदास होना, ब्लो आउट माने यहां से चले जाना, और बेसिक माने हो गया बोरिंग. इतने दिए मैंने, ज्यादा नहीं दूंगी, इतने वर्ड्स मैंने दिए हैं, इन वर्ड्स को जरूर से जरूर, ज्यादा से ज्यादा यूज करिए अपने लाइफ में, और अपना स्टाइल बनाइए, खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने क्लासमेट्स को, क्लास फेलोज को शेयर करिए, उनके साथ शेयर करिए, कि सबको इस सब चीजों की नॉलेज हो. इन चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से लाइफ हमारा स्टैंडर्ड होता जा रहा है, हम लोगों को उसके साथ चेंज होना पड़ेगा, हम लोगों को स्टाइलिश वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा. अगर हम लोग स्टाइलिश वर्ड्स का यूज करते हैं तो हमारा भी स्टैंडर्ड ग्रो होता है, स्टैंडर्ड डेवलप होता है, अच्छा लगता है सुनने वाला, सुनने बोलने वाले को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है ना. तो ये वर्ड्स मैंने दे दिए, स्लैंग वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हैं, और इसके साथ ही अब और नहीं दूंगी, इतना दे रही हूँ, और नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं और आपके लिए ऐसे स्लैंग वर्ड्स ले आऊंगी विद मीनिंग्स एंड एग्जांपल्स. ठीक है, इनको आप पढ़िएगा, और तब तक के लिए टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम एंडिंग माय वीडियो हियर, टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय.